बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। मैं आज अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ कि नेशनल असम्बली के हमारे स्पीकर ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया एक वो मूव रिजीम चेंज की जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान के 22 को अवाम में, एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था, और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूँ। मुझे कल से इतने लोग पैगाम दे रहे थे कि जी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। और मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, घबराना नहीं, अल्लाह इस कौम के ऊपर देख रहा है। 27 रमज़ान को ये पाकिस्तान वजूद में आया था, ये इस तरह की साजिश इंशाल्लाह ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज़ करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो को रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूँ कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूँ कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है, किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जो मेरा जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।